भारतीय वायुसेना अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद फंसे भारतीयों को निकालने में लगी हुई है और इस मिशन में दुनिया के सामने एक ऐसी जगह आई है जिसकी इतनी चर्चा पहले कभी नहीं हुई थी। काबुल हवाई अड्डे पर भारी भीड़ के कारण भारतीयों को लेने के लिए C-17 विमान को अपना रास्ता बदलना पड़ा और तजाकिस्तान के आइनी एयरबेस पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी, जो कि विदेश में भारत का एकमात्र सैन्य अड्डा है। आइनी एयरबेस क्यों है खास? आइनी एयरबेस तजाकिस्तान के कैपिटल दुशांबे से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। इसे गिसार एयरबेस के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे वर्ल्ड वॉर के वक्त सोवियत संघ के एयरबेस के रूप में इसने अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन बाद में ये एयरबेस इस्तेमाल करने लायक ही नहीं रहा। इस एयरबेस की खास बात ये है कि ये भारतीय सेना को रणनीतिक आधार पर मजबूती देता है, वो ऐसे कि तजाकिस्तान की सीमा चीन और पाकिस्तान दोनों से लगती है। साथ ही ये अफगानिस्तान के वाखान कॉरिडोर को जोड़ता है, जो एक ऐसा गलियारा है जो POK और चीन के साथ सीमा साझा करता है। तजाकिस्तान का इलाका POK से महज 20 किलोमीटर की ही दूरी पर है और इस एयरबेस पे भारत बेहद आसानी से पाकिस्तान के पेशावर तक निशाना साध सकता है, जिससे युद्ध के हालातों में पाकिस्तान की कमर तोड़ी जा सकती है। भारत से 13 साल पुराना रिश्ता। आइनी एयरबेस पर भारत तजाकिस्तान के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन पिछले 13 साल से चल रहा है। भारत ने 2002 से 2010 तक इस एयरबेस के रेनोवेशन और इसे मॉडर्न बनाने के लिए करीब 7 करोड़ डॉलर खर्च कर डाले। भारत ने यहाँ सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट ही नहीं भेजे, बल्कि रनवे को 3200 मीटर तक बढ़ा डाला। आइनी एयरबेस ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित है। ये भूतपूर्व सोवियत यूनियन की एक पुरानी एयरबेस है। भारत ने कुछ साल पहले इस एयरबेस को 700 करोड़ रुपए खर्च करके रिपेयर किया था और इसे वापस सर्विस में लाया गया था। अब वो इसे ताजिक एयरफोर्स के साथ ऑपरेट करती है। आप देख सकते हैं इस एयरबेस के रनवे को लंबा किया गया है, करीब 3 किलोमीटर लंबा, जिससे यहाँ तमाम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और Su-30 जैसे फाइटर जेट्स को भी डिप्लॉय किया जा सकता है। इस एयरबेस को काफ़ी हद तक गुप्त रखा गया, शायद क्योंकि भारत अपने पड़ोसियों को चिंतित नहीं करना चाहती थी। भारत के लिए ये एयरबेस एक स्ट्रेटेजिक एसेट है, क्योंकि यहाँ के तैनात हवाई जहाज पूरे सेंट्रल एशिया को कवर कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना सेंट्रल एशिया पे निगरानी रख सकती है, खास करके चीन और पाकिस्तान की, जो ताजिकिस्तान के करीब स्थित है। आइनी एयरबेस अफगानिस्तान के पंशेर इलाके से करीब 300 किलोमीटर दूर है। पंशेर अफगानिस्तान की नॉर्दर्न अलायंस का आखिरी गढ़ माना जाता है और नॉर्दर्न अलायंस जो तालिबान के विरोध का विरोध कर रहा है, और भविष्य में अगर इंडिया को नॉर्दर्न अलायंस की मदद करनी होगी तो आइनी एयरबेस इस काम के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाएगा। फारखोर में भी है इंडिया का एयरबेस। तजाकिस्तान का ये दूसरा अहम एयरबेस है और ये कैपिटल दुशांबे से साउथ ईस्ट में 130 किलोमीटर की दूरी पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ 1996 से लेके 1997 में हमारी खुफिया एजेंसी रॉ ने यहाँ अफगान नॉर्थ अलायंस के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था। कहते हैं कि यहाँ रॉ ने न सिर्फ खुफिया इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी, बल्कि हेलीकॉप्टर जैसी फैसिलिटीज भी मुहैया कराई गई थी। भारत ने यहाँ छोटा मिलिट्री हॉस्पिटल भी शुरू किया था, जिसे मैत्री हॉस्पिटल भी कहा जाता है। उस वक्त यहाँ तालिबान से लड़ाई में घायल अफगान नॉर्दर्न अलायंस के जवानों का इलाज किया जाता था। तब से इसे भारत के एयरबेस के रूप में पहचाना जाने लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ हमारी एयरफोर्स के MiG-29 विमानों की 2 स्क्वाड्रॉन तैनात है। फिलहाल यहाँ भारतीय सेना तजाकिस्तान आर्मी और सिविलियन के लिए मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। हालांकि सरकार ने ना तो कभी इस बात से इनकार किया और ना ही कभी इसकी पुष्टि की। भारत के एयरबेस से पाकिस्तान है परेशान। रक्षा एक्सपर्ट दानवीर सिंह कहते हैं कि भारत की तजाकिस्तान में सेना की तैनाती से पाकिस्तान काफी परेशान है और इस संबंध में उसने तजाकिस्तान सरकार से विरोध भी दर्ज करवाया।
इस एयरबेस के जरिए भारत अफगानिस्तान के अंदरूनी हालात पर नजर रखता है और मुश्किल से मुश्किल समय में अफगान के नॉर्दर्न अलायंस सेना की मदद करने में भी सक्षम है। स्ट्रेटेजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस देश में फिलहाल किसी दूसरे देश का इस तरीके का कोई सेंटर नहीं है। पहले अमेरिकी सेना का यहाँ एक एयरबेस था, लेकिन अब वो भी नहीं है। तजाकिस्तान में भारत के दो वायुसेना बेस हैं। ये बेस वहाँ आइनी और फखरोर में हैं। इसे भारत ने पाकिस्तान और चीन के खतरे के मद्देनजर रणनीतिक तौर पर बना रखा है। ये भारत के लिए कई तरीके से काम आता है। ईरान में भारत के तेल हितों पर इन वायुसेना बेस से नजर रखी जा सकती है। अफगानिस्तान को कभी जरूरत पड़े तो यहाँ से मदद भी पहुँचाई जा सकती है। आइनी एयरबेस से सियाचिन की सुरक्षा भी की जा सकती है। इतना ही नहीं, और भी कई ऐसे मुल्क हैं जहां भारत ने अपने फौजी ठिकाने बना रखे हैं। ये देश हैं मॉरिशियस, नेपाल, भूटान, मेडागास्कर और ओमान। अब सबसे पहले बात मॉरिशियस की करते हैं। मॉरिशियस, एक समझौते के तहत भारत ने साल 2015 में यहाँ अपना कोस्टल सर्विलेंस रडार बना रखा है। हाल ही में ये खबर सामने आई थी कि मॉरिशियस के अगलेगा द्वीप को भारत विकसित कर रहा है। इस द्वीप पर स्थित हवाई पट्टी का कुछ दिन पहले ही विस्तार किया गया। इसके अलावा द्वीप के किनारे पर शिप और बोट के रुकने के लिए कई जेट्टी का निर्माण भी किया गया। इसी को आधार बनाकर कई अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक और मीडिया संस्थान इसे भारत का सैन्य अड्डा बता रहे हैं। हालांकि भारत ने कभी भी इस द्वीप पर नौसेना की मौजूदगी की पुष्टि नहीं की है। अब बात नेपाल की। नेपाल के सुरखेत में भी भारत का एक एयरबेस है। भूटान, भूटान में भारतीय सेनाएं सैन्य ट्रेनिंग मिशन के तहत मौजूद रहती हैं। इस केंद्र को इंडिया मिलिट्री ट्रेनिंग टीम के नाम से भी जाना जाता है। मेडागास्कर, 2007 में भारत ने यहां पर भारतीय नौसेना की एक चौकी स्थापित की थी। ओमान, मस्कट में भी भारतीय नौसेना का एक एयरबेस बताया जाता है। हालांकि भारत कभी भी इन गुप्त रखे हुए एयरबेस की पुष्टि नहीं करता।